वेलकम बैक इन द ज्ञान कोचिंग सेंटर। टुडे वी लर्न अबाउट एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट वन इज स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें इसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, इस बात को बताइए ट्रू है कि फॉल्स। तो फर्स्ट वन जो है आपका ट्रू होगा। अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये ट्रू है, बट क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नंबर सिस्टम हमारा होता है, नंबर जो होते हैं वो टू काइंड के होते हैं, एक रियल नंबर और सेकंड हमारे इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होते हैं, इस रियल नंबर के हमारे टू पार्ट हो जाते हैं, एक हमारा रैशनल हो जाता है और दूसरा हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। अब ये जो इरेशनल और रैशनल नंबर है, ये दोनों ही नंबर हमारे किसके पार्ट हैं? रियल नंबर्स के पार्ट हैं। सो वी कैन से दैट कि एवरी रियल नंबर, सारे के सारे जो रियल नंबर है वो एक्चुअल में सॉरी एवरी जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर ही होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होंगे, और वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जबकि एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। सेकंड वन इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जो नंबर लाइन है, क्या उसके सभी पॉइंट अंडर रूट एम की फॉर्म में हो सकते हैं, जबकि एम क्या है? नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों ये जो आपका सेकंड है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा? ये देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन के तो एवरी पॉइंट की बात की है, एवरी पॉइंट पे आपके यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी हो जाते हैं और आपके पॉजिटिव नंबर भी हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4। बट उसने कहा वेयर एम इज नेचुरल नंबर, एम तो सिर्फ नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो हमारे जीरो से इधर वाले आएंगे 1, 2, तो सारे के सारे पॉइंट तो नंबर लाइन के अंडर रूट एम की फॉर्म में हो ही नहीं सकते। सो ये आपका फॉल्स आ जाएगा। और अंडर रूट में वैसे भी हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि जितने भी रियल नंबर हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि सारे के सारे जो आपके रियल नंबर हैं वो रियल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ही इसलिए हो जाएगा क्योंकि एवरी रियल नंबर कहा है उसने, वो सारे इरेशनल। अब रियल की बात करें हम, तो सपोज दैट ये 2/3 है, ये तो रियल नंबर हो जाएगा ना, बट ये क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर तो वो होते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, और उसके अंदर भी कैसे नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। तो यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते, बट हाँ सारे इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर हो सकते हैं। सो ये वाला ऑप्शन भी आपका फॉल्स हो जाएगा। इससे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या बता रहा है ये? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर टू में बताया गया कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इट इज रैशनल नंबर। कि सारे के सारे जो स्क्वायर रूट होते हैं किसी भी सभी पॉजिटिव इंटीजर के, वो इरेशनल होंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो पहला आंसर है, ये आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर, तो उसका अगर नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो आपका इरेशनल नंबर होगा। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो कोई एग्जांपल देके बताओ। चलो भाई एग्जांपल देते हैं इसका। ऐसा नहीं है तो जैसे हमने लिखा ये अंडर रूट टू, हाँ तो ये अगर अंडर रूट टू है तो ये तो आपका इरेशनल नंबर ही है। बट अगर हम यहाँ पे अंडर रूट फोर लिख देते हैं, तो अंडर रूट फोर के आप अगर फैक्टर करते हो तो ये आपका 2 × 2 बन जाता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 2 के पेयर में से 2 बाहर आ जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो आपका 2 हो जाता है, जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि और आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, कि सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते। हाँ कुछ होंगे, अगर यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर होता तो ये ट्रू हो जाता,
बट इसने कहा कि ऑल, तो ऑल के लिए ये नो रहेगा, ये यस नहीं होगा। और उसने कहा था अगर नहीं है तो कोई एग्जांपल भी, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अंडर रूट 4.2 लिख सकते हैं, या फिर अदर एग्जांपल आप देना चाहते हो तो अंडर रूट 9 भी लिख सकते हो। अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो ये जो 3 है आपका ये एक रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता है। या फिर सपोज दैट अंडर रूट 16, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है या कुछ एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको पूरा कोर्स बड़ी आसानी से मिलता रहेगा, और बेल आइकन को ऑन कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कि सो करो भाई, अंडर रूट 5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कर देंगे इसको भी हम रिप्रेजेंट, कैसे करना है देखिए। आप सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम ने हमें बताया था कि अगर कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तब ये इसकी नीचे वाली साइड हमारी बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। और इनके बीच में एक रिलेशन था, रिलेशन ये था कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू आपका होता था अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा रूल किसने दिया था? पाइथागोरस थ्योरम ने, इसलिए हम इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। अब हमें अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, जैसे कि हमारा हाइपरटीनियस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाइपरटीनियस इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब इस अंडर रूट 5 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हाइपरटीनियस इज इक्वल टू अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं 4+1, और इस 4+1 को आप रख सकते हो ऐसे, 2 का स्क्वायर 4 होता है आपका, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहां से हमारा हाइपरटीनियस इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों की बात एक ही है। तो ये जो हमारा 2 स्क्वायर है इसको हम बेस कह देंगे, ये बेस का स्क्वायर है, और ये 1 जो है ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे इस नंबर लाइन को शो करेंगे, नंबर लाइन पर हमें ऐसे शो करना है, पहले आप इस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में चेंज कर लोगे। करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका बेस है, तो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, और आपका जो बेस है वो कितना है 2 है, तो हम ये यहाँ पे 0 से और 2 तक के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे नंबर लाइन के ऊपर, और उसके बाद फिर परपेंडिकुलर है हमारा 1, और इस पे अब हमें क्या करना है 1 सेंटीमीटर सीधा ड्रॉ कर लेना है, 1 सेंटीमीटर यहां से हमने 1 सेंटीमीटर इस पे ड्रॉ कर लेना है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, 0 से ये जो हमारा 0 पॉइंट है इस पॉइंट से, और ये जो हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ किया है इसको, इससे हम ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा, ये हमने ज्वाइन किया। अब ये जो हमारा देखो आप, ये आपका 2 है, ये आपका 2 यूनिट है, और ये आपका 1 है। अब ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4, और 1 का स्क्वायर 1, और 4+1 कितना हो गया अंडर रूट। इट मीन्स आपकी ये जो लाइन है इसका हम नाम रख लेते हैं ओ ए बी, ये जो हमारी ए बी जो ओ बी लाइन होगी ये हमारी अंडर रूट 5 हो जाएगी। और जब ये अंडर रूट 5 है तो अब यहाँ पे हम कंपास रखकर और एक आर्क लगा देंगे ऐसे, और ये जो आर्क है जहां पे इस लाइन को कट करेगा ये पॉइंट हमारा, इस लाइन से हमारा ये जो पॉइंट होगा जहां ये कट करेगा ये पॉइंट हमारा अंडर रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम अंडर रूट 5 को शो कर देंगे। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट हुई। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी और आपको कितना इसमें समझ में आया। जय हिंद, जय भारत।